अब जान लीजिए बॉलीवुड की हर हलचल बिल्कुल फटाफट अंदाज में। शाहरुख के बेटे अबराम की ये तस्वीर वायरल हो रही है। गौरी ने ये फोटो शेयर की तो शाहरुख ने लिखा, अरे यार मैं कहां था। संजय दत्त ने आज अपनी शादी की सालगिरह पर पत्नी मान्यता के साथ ये तस्वीर शेयर की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लखनऊ में फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना दिखेंगी। फिल्म एक विलन के दूसरे पार्ट एक विलन रिटर्न्स का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म की टैगलाइन है, इस फिल्म का हीरो ही फिल्म का विलन है। ये फिल्म ठीक 365 दिन बाद 11 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। साउथ के सुपरस्टार विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। करण जौहर की ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये है गोविंदा एंड फैमिली, जो मुंबई में इस अंदाज में दिखी और हो गई कैमरे में कैद। रश्मि देसाई मुंबई में दोस्तों के साथ लंच के बाद कुछ इस अंदाज में नजर आईं। सितारों का जिम वाला लुक कैमरे में कैद न हो ये कैसे हो सकता है। अनन्या पांडे वर्कआउट के बाद कुछ यूं नजर आईं। करिश्मा कपूर अपने जीजू सैफ अली खान के साथ बांद्रा में दिखी। अर्जुन बिजलानी अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। अदा शर्मा भी एयरपोर्ट पर स्कूल लुक में दिखी। सोनाली बेंद्रे अपने बेटे के साथ बांद्रा में एक पेट क्लिनिक में नजर आई। सोहाली खान अपनी बेटी के साथ दिखी। अंगद बेदी भी अपनी बेटी के साथ नजर आए। कियारा आडवाणी और अरबाज खान चैट शो पिंच के सीजन 2 की शूटिंग के दौरान साथ नजर आए। प्रीति जिंटा बांद्रा में इस लुक में दिखी। कार्तिक आर्यन फिल्म सिटी में दिखाई दिए। शिल्पा शेट्टी भी साड़ी में फिल्म सिटी में नजर आईं। धोनी को भी फिल्म सिटी में देखा गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।